है गाइस, आप सबका स्वागत है न्यूज़ डिकोड में। और आज हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट डील को डिकोड करेंगे जो कि साइन हुआ था कल इंडियन कंपनी HAL और UK की कंपनी रोल्स रॉयस के बीच में, और जानेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। कल HAL और UK की कंपनी रोल्स रॉयस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, और उस एग्रीमेंट के हिसाब से उनका जो एडोर इंजन है उसके कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनेंगे और इंडिया से ही एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और इस डील का इम्पोर्टेंस आप इसी से समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे इंडिया अराउंड 150 जैगुआर फाइटर्स यूज़ करता है, और इसके अलावा अराउंड 104 BAE का हॉक यूज़ करता है। एंड गेस व्हाट, दोनों में इसी कंपनी का इंजन लगा हुआ है। सो लॉन्ग रन में अगर इंडिया को कभी इंजन रिपेयर करना है या ओवरहॉल करना है या फिर इसका स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो इंडिया को किसी तीसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा फ्यूचर में, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा खबर है। और रिसेंटली आपने भी जैगवार्स को देखा होगा, अगर आप न्यूज़ रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि राजस्थान के बाड़मेर एरिया में इनको हाईवे पर लैंड किया गया था। और इस डील का दूसरा मेन फायदा है एक्सपोर्ट को लेके, तो इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है फ्यूचर में 5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करने का, और उसमें ये एक छोटा सा पार्ट प्ले कर सकता है। इसको समझने के लिए आपको ये फिगर्स देखने पड़ेंगे। तो आज के टाइम पे अराउंड 1000 से भी ज़्यादा BAE हॉक बन चुके हैं, और इसको 16 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, और इसमें से जो मेन कंट्रीज़ हैं वो है UK, इंडिया, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, और इसके अलावा USA भी इसका एक वेरिएंट यूज़ करता है जिसको कि T-45 गॉसहॉक बोलता है, और उसमें भी सेम इंजन यूज़ होता है। तो लॉन्ग रन पे इंडिया को डेफिनेटली इसके ऑर्डर्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स या फिर मेंटेनेंस के लिए। और इसका तीसरा फायदा ये होगा कि एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलेगा, और इसके अलावा ये एक इकोसिस्टम बिल्ड करेगा इंडिया में इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेके। और आप सबको तो पता ही है कि इंडिया अपने कावेरी इंजन पे 30 ईयर्स से वर्क कर रहा है, बट अभी तक सक्सेस नहीं मिला इंडिया को, और जो थ्रस्ट चाहिए था उस इंजन से वो नहीं मिल रहा है। और आप सबको ये भी पता होगा कि फ्यूचर में तेजस मार्क 2 भी आने वाला है। जिसमें इंडिजिनस इंजन लगाने का प्लान है, बट उसके लिए इंडिया को चाहिए 125 किलो न्यूटन के आसपास का एक इंजन, और ये कोलेब्रेशन एक फ्यूचर में हो सकता है बड़े कोलेब्रेशन के लिए एक रोल प्ले करें। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीक एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होगा क्वाड का, जहाँ पर इंडियन PM, ऑस्ट्रेलियन PM और साथ ही साथ जैपनीज PM इन पर्सन मीटिंग करेंगे USA में। और अगर आपको पता नहीं है क्वाड क्या है, क्यों बना है और कितना पावरफुल है, तो इसको जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट वाला। और अगर आप एरो इंडिया 2021 के हाइलाइट्स चाहते हैं तो आप ये सेकंड वाला वीडियो देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।